हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। आज एक बार फिर हफ्ते के पहले दिन निफ्टी इंडेक्स ने रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई दिया है, लाइफ टाइम क्लोजिंग हाई दिया है। ये 5 मिनट का चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का। आज कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। जो फ्राइडे को हमने लेवल्स मार्क किए थे आज के लिए, उसके अकॉर्डिंग ब्रेकआउट लेवल सुबह एग्जैक्ट इसी के पास निफ्टी इंडेक्स काफ़ी देर पेनेट्रेट हो रहा था, इस लेवल को आके रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। जैसे ही ये लेवल ब्रेक किया, फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ, एग्जैक्ट इसी लेवल के पास, फर्स्ट टारगेट के लेवल के पास निफ्टी इंडेक्स ने रेजिस्टेंस फेस किया और कंटिन्यूस नीचे आते वक्त ये 50 EMA का जो ब्लू लाइन है, इसका सपोर्ट ये टेस्ट कर रहा था और ऑलमोस्ट क्लोज भी इसी जोन के बीच में हुआ है। तो लेवल्स काफ़ी एक्यूरेट साबित हुए। फिर से एक बार चॉपी मार्केट देखने को मिला, हालांकि नए क्लोजिंग हाईज हमें निफ्टी इंडेक्स ने आज दिखाया। अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, एक बार डेली चार्ट को देख लेते हैं। डेली चार्ट अभी देखे तो यहाँ पर निफ्टी अनचार्टेड टेरिटरी में है, यानी इसके पहले निफ्टी इंडेक्स कभी भी इस लेवल के आसपास नहीं था। तो यहाँ पर हमें एक स्विंग हाई लो मिला है। अगर हम उसको फिबोनाची एक्सटेंशन थ्रू आने वाले लेवल्स को प्रोजेक्ट करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स ने ये 50% का ये जो लेवल है ये आज अचीव कर लिया है। इसी लेवल के पास निफ्टी इंडेक्स कंटिन्यूस रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट का लेवल था। अभी निफ्टी इंडेक्स अगर ये जो 16,580 का लेवल है, इसके ऊपर आर्ली चार्ट में अगर सस्टेन करता है तो हमें 61.8% के लेवल्स निफ्टी इंडेक्स में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। अदरवाइज ये जो दो लेवल्स है, 50% और 61.8%, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया कि इन लेवल्स के पास आने के बाद हमें एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलता है। तो अभी अगर यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल आता है तो ये जो 38.2% का लेवल है, 32.6% का लेवल है, इसके लेवल के आसपास हमें फिर से एक बार निफ्टी इंडेक्स सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। तो काफ़ी अभी 20 EMA के ऊपर निफ्टी इंडेक्स चला गया, तो मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि ज़्यादा गैप क्रिएट होने के बाद ये फिर से एक बार आता है, 20 EMA को सपोर्ट टेस्ट करता है। ये 20 EMA कुछ इस तरह से आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा आने वाले दिन में, और हो सकता है ये जो निफ्टी है ये फिर यहाँ पर आके इससे 20 EMA को टेस्ट करके फिर बाउंस बैक हो। तो हमेशा मार्केट ऐसे चलता है, इस वेव में अपवर्ड जर्नी होती है, वो ऊपर हायर आए हायर लोज बना के चलता है। तो हो सकता है निफ्टी इंडेक्स फिर सपोर्ट टेस्ट करने के लिए आए। अगर लॉन्ग जाना है तो 16,580 के ऊपर अगर आर्ली चार्ट में सस्टेन करता है तो हमें और ऊपरी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो अभी फिलहाल ओवरबॉट निफ्टी इंडेक्स है, क्योंकि RSI भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 76 लेवल के पास है, यानी ओवरबॉट जोन में निफ्टी इंडेक्स पहुँच चुका है। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है, तो थोड़ा कॉशियस यहाँ पर आपको रहना पड़ेगा। चलते हैं 60 मिनट की चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। 60 मिनट का चार्ट भी देखें तो काफ़ी ओवरबॉट जोन में अभी RSI चला गया है। तो कल के लिए हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा अराउंड, आज का ये जो हाई बना है अराउंड 16,589 के पास है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर यानी अराउंड 16,594 ये हमारा होगा ब्रेकआउट लेवल। इसके ऊपर फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 16,615, ये हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा, और सेकेंड टारगेट बनेगा अराउंड 16,636, ये हमारा सेकेंड टारगेट बनेगा। टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो फ्राइडे को जहाँ पर ये क्लोज हुआ था ऑलमोस्ट उसी लेवल के पास ये रेड कैंडल का लो बना है। तो इस लो के नीचे यानी अराउंड 16,534 के नीचे चला जाता है निफ्टी इंडेक्स, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। तो हमारा तभी फर्स्ट टारगेट बनेगा 16,514, ये हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा, और सेकंड टारगेट बनेगा अराउंड 16,495, जस्ट 20 EMA के ऊपर, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। ये है निफ्टी के लेवल्स। अभी बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं। बैंक निफ्टी का ये आर्ली चार्ट है। बैंक निफ्टी हमने देखा जो लास्ट वीकली एक्सपायरी थी, तभी से काफ़ी बोरिंग फेज हमें बैंक निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। तो अभी कल के लिए ब्रेकआउट लेवल होगा हमारा, ये जो रेड कैंडल बना है स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है, आप देख सकते हैं इसी लेवल के पास इसने कई बार यहाँ से फॉल दिखाया है, और फ्राइडे के दिन भी और आज भी कंटिन्यूस इस लेवल के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है इस लेवल के पास,
तो 36,194 ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा, और इसके ऊपर हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 36,253, ये हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा, और सेकेंड टारगेट बनेगा अराउंड 36,328, ये हमारा सेकेंड टारगेट बनेगा। ब्रेकडाउन लेवल आप देख सकते हैं, पूरा दिन पेनेट्रेट हो रहा था, आर्ली चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं। तो आज का जो लो है इसके नीचे थोड़ा सा क्लियर कर देते, 36,30 ये हमारा होगा ब्रेकडाउन लेवल, और इसके नीचे फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 35,969, ये हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा, और सेकंड टारगेट बनेगा 50 EMA का ये ब्लू लाइन, जो कि अभी अराउंड 35,909 के आसपास है। तो 35,912 ये हमारा होगा सेकंड टारगेट बैंक निफ्टी के लिए। तो ये कल के लिए इंट्राडे लेवल्स यानी 17 जुलाई के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। छोटा सा इंट्रो ट्रेडिंग फैब के बारे में। ट्रेडिंग फैब एक ऑथराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, 5 पैसा है, एंजल ब्रोकिंग है। अगर आप इन चारों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे अंडर ओपन करते हैं तो हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम चैनल की मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। तो आपको करना क्या है, सपोज आपको जीरोधा में अकाउंट ओपन करना है तो आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, तो एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। आपको आपके डिटेल्स यहाँ पर एंटर करना है, कंटिन्यू करना है, तो आगे की ऑनलाइन अकाउंट प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है, काफ़ी सेफ है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो एक दिन में आपका अकाउंट ओपन हो सकता है। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको इस नंबर पे कॉल करना है हमें, ताकि आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके। अगर आप हमें लाइव मार्केट में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं ऑप्शंस और इक्विटी। जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं हमारे ऑप्शन के चैनल के ऊपर। और एक स्पेशल ऑफर भी है, जो शेयर मार्केट का कोर्स है हमारा टेक्निकल एनालिसिस का स्पेशल, तो उसके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट भी है। 2,999 का ये पूरा कोर्स है, वो आपको जस्ट मिलेगा ₹999 में। तो ये एक मेगा ऑफर है आपके लिए अगर आप अकाउंट हमारे अंडर ओपन करते हैं तो। एक छोटा सा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब का।